शासकीय महाविद्यालय कसरावद में संविधान दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन द्वारा छात्र छात्राओं को संविधान के बारे में विस्तार से बताया। किस तरह संविधान निर्माण किया गया, 26 नवंबर 1949 को लिखा गया एवं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। साथ ही न्यायाधीश श्री विवेक जैन साहब द्वारा रोचक एवं ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें सही जवाब देने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम में संस्था के प्राचार्य डॉक्टर राकेश राठौर ने संविधान के बारे में बताया कि भारतीय संविधान गुणवत्ता परक दस्तावेज जो अपने में विभिन्न विशेषताओं को समेटे हैं। विशेष अतिथि न्यायाधीश श्रीमती प्रिया मदा शुक्ला द्वारा सभी उत्पीड़न एवं महिलाओं की सहायता के बारे में जानकारी दी। पैरालीगल वॉलंटियर अखिल खान द्वारा विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पैरालीगल वॉलंटियर सुदर्शन गोखले द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित करियर के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक किया। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। मान सम्मान होता है वहीं पे देवता विराजते हैं, अन्यथा नहीं। तो सबकी लिखी हुई बात आज के समाज में भी उतनी ही। कानून के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, कम से कम अधूरे हैं। न्याय संविधान हमारा देश का संविधान, अभी जितनी भी बातें हुई उसमें हमने देखा कि संविधान जब बनता है, कानून बनता है, तो उसकी कानून जब भी कोई नया कानून बनता है कैसा क्या लगा और क्या था कार्यक्रम। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में तहसील विधिक सेवा समिति कसरावद की ओर से बच्चों को संबोधित करने का एक यहाँ पर प्रयास किया गया, जैसे कि तहसील विधिक सेवा समिति विधिक साक्षरता के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। तो उसी श्रृंखला में हमें यह महसूस हुआ कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को संविधान के जो बेसिक मूल्य हैं उनसे रूबरू कराया जाए, संविधान के मूल्य से वाकिफ कराया जाए कि संविधान होता क्या है, संविधान का मूल्य क्या है, हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने अथक प्रयास के बाद संविधान निर्मित किया, और संविधान के जो मूल्य हैं उन्हें सुरक्षित और संरक्षित करने का जो भार है वो हमारे आज की युवा पीढ़ी पर ही है। जब तक उन्हें उन मूल्यों के बारे में पता नहीं होगा, उनके महत्व के बारे में पता नहीं होगा, तो वे भविष्य में उसे संरक्षित और संधारित कैसे कर पाएंगे। इसी को लेकर हमें बच्चों को थोड़ा सा संविधान के बारे में बताने का प्रयास किया, और उसी श्रृंखला में हमने बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछे। निश्चित ही बच्चों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल और जितने यहाँ के स्टाफगण टीचरगण हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं, और भविष्य में भी हम बच्चों से आशा करते हैं कि संविधान के बारे में, अपने देश की व्यवस्था के बारे में इसी प्रकार से नॉलेज ग्रहण करते रहेंगे। और यहाँ के प्रिंसिपल महोदय से ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि बच्चों को इस बारे में विशेष रूप से वो प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, तो भविष्य में भी मैं बच्चों के बीच इसी उमंग और उत्साह के साथ आने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।